पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन मुरादाबाद में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक आह्वान किया है कि अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सब मिलकर और एकजुट होकर सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा मांग पत्र नहीं, हमारा हक पत्र है। हमारा हक है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मार खाई और देश के लिए भी लड़ाई लड़ी, जिससे कि आज सभी यहां सुरक्षित हैं और हम भी मौजूद हैं। तो वहीं सभी ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी विभिन्न मांगों को पहुंचाने का भी कार्य किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमारा सेनानी परिवार को हक दिया जाए और उनको उनका अधिकार दिया जाए। यहाँ किस पद पर हैं? मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, स्वतंत्रता सेनानी एवं मताधिकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम किया गया आज? ये कार्यक्रम जो था 6 और 7 मई 2022 को मई इंदौर के अंदर एक सम्मेलन होने जा रहा है सेनानी परिवारों का। वो जो है सेनानी परिवार की काउंटिंग करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि लगभग हमारे कहने से 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी पूरे भारत देश में हैं। वहाँ पर अपनी सरकार से मांग करेंगे कि हमारा सेनानी परिवारों को अधिकार दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। तो क्या पूर्व में हो चुका था यहाँ पे कोई ऐसा जो हक आपकी बात कर रहे हैं हक दिया जाए? कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि पूर्व में जो विधायक है उनके द्वारा हुआ था जी। हमारा मुरादाबाद नगर निगम में स्वर्गीय संजीव अग्रवाल जी ने प्रस्ताव पेश करा बोर्ड मीटिंग में नगर निगम की, के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स मुक्त कर दिया जाए। तो बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गया और उसे इसके साथ साथ लखनऊ में भी पास है। वहाँ मतलब मुरादाबाद में हमारे सेनानी परिवारों को अभी उससे मुक्त नहीं किया गया है, मगर लखनऊ में मुक्त कर दिया गया है। और 8 मई 2022 को अभी कानपुर के महापौर ने जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी सेनानी परिवारों की घोषणा किया कि हम बोर्ड मीटिंग में सेनानी परिवारों का हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ़ कर देंगे। तो क्या चाहते हैं आप पूरे प्रदेश में, प्रदेश में होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में सभी जगह स्वतंत्रता सेनानी परिवारों और उनके उत्तराधिकारियों का हाउस टैक्स वाटर टैक्स मुक्त कर दिया जाए। और हमारे हम ये चाहते हैं कि सेनानी परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलत दी जाए, जो सुविधा सरकार दे सकती है उन्हें कोई परेशानी न होती है, वो सुविधा दी जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।